जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान के नाम की महिमा। भगवान वेदव्यास कहते हैं कि कलयुग में हरि नाम के अतिरिक्त भव सागर से पार होने का दूसरा कोई साधन नहीं है। भगवान नाम से विशेष लाभ होता है। इसका एक कारण यह है कि भगवान नाम में तथा नामी भगवान में अभेद है, इसलिए नाम स्मरण से नामी के प्रत्यक्ष दर्शन करने के समान ही लाभ होता है। नाम और नामी के अभेद की बात तो सब कोई कहते हैं, किंतु यह अभेद है क्या? यह बात बहुत थोड़े लोगों की समझ में आई होगी। हम लोगों के जन्म में और भगवान के अवतार लेने में बहुत अंतर है। भगवान के अवतार में देह देही का भेद नहीं रहता, अर्थात अवतार शरीर में जो चेतन तत्व देही के रूप में काम करता है, उसी चेतन तत्व से दृष्टि पड़ने वाले स्थूल देह का भी निर्माण हुआ है। शास्त्रीय भाषा में कहें तो भगवान के देह और देही दोनों समान रूप से चैतन्य घन हैं, समान रूप से चैतन्य घन हैं, किंतु हम लोगों के सामान्य शरीर में शरीर पंच महाभूत से निर्मित है। केवल जीव ही चेतन तत्व है, इसके अतिरिक्त हमारा शरीर काम तथा कर्म के परवश है। प्रारब्ध भूख समाप्त होने पर यह नष्ट हो जाता है, किंतु भगवान स्वेच्छा से ही देह धारण करते हैं और स्वेच्छा से ही उसका तिरोभाव भी कर लेते हैं। जैसे समुद्र में तरंगे चाहे जब और चाहे जब उठ सकती हैं, जहां उठ सकती हैं, वैसे ही भगवान भी जब चाहे जहां जैसे चाहे जिस रूप में प्रकट हो सकते हैं। एक सज्जन जो रोगी थे, उन्होंने मुझे लिखा, स्वामी जी, मैं धीरे धीरे शिवोहम का जप करता हूँ, किंतु शांति नहीं मिलती। मैंने उन्हें उत्तर में सूचित किया, भाई, शिवोहम तो स्थिति है, उसे प्राप्त करने के लिए शरीर स्वस्थ हो तब प्रयत्न करना चाहिए। बीमारी में इसको बोलते रहने से कोई लाभ नहीं होने वाला। योग वशिष्ठ में कहा गया है, शरीर जवान तथा सशक्त हो उसी समय जीवन को धर्म परायण बनाया जा सकता है। युवा अवस्था चली जाए और वृद्धावस्था आ जाए तब तो कुछ भी किया नहीं जा सकता। वृद्धावस्था में तो अपना शरीर भी भार रूप प्रतीत होता है, फिर परमार्थ का साधन तो भले कैसे हो सकता है। संत महात्मा कहते हैं, चाहे लगन से हो या बेलगन से हो, नाम जप किया करो। इसका यह अर्थ नहीं कि सदा के लिए बिना लगन के जप का नियम बना लिया जाए। सदा के लिए बिना लगन के जप का नियम बना लिया जाए, यह विधान तो अविवेकी को साधन में लगाने के लिए होता है। प्रारंभ तो सदा बेलगन से ही होता है, किंतु भगवान नाम का प्रभाव ऐसा है कि उसका परिचय होने से उसमें प्रेम होता है और तब जप स्थिरता से ही होता है। ऐसा होने पर भगवान में अनुराग होता है। इस प्रकार वैखरी जप से ही उपांशु जप होने लगता है। बहुत समय तक इस प्रकार जप चलते रहने पर मानसिक जप होने लगता है। फिर तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि जैसे मन जप करता हो और हम उसे देखते हो, ऐसे जप से चित्त का मल धुलने लगता है। चित्त निर्मल होने पर उसमें ज्ञान का उदय होता है। यह तो प्रत्यक्ष बात है कि जो काम समझदारी से किया जाता है वही फल उत्पन्न करने में समर्थ होता है। पत्थर पर बोया बीज जैसे उगता नहीं, वैसे ही मनोयोग के बिना किया गया कार्य, कोई भी कार्य फल उत्पन्न नहीं कर सकता। फल उत्पन्न होने में भावना ही मुख्य कारण है, क्रिया तो गौण है। यों तो चारों युगों में, चारों वेदों में नाम का प्रभाव है, विशेषकर कलयुग में तो कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। भगवान का नाम लेने से संसार रूपी समुद्र सूख जाता है। हे सज्जनों, इसका मन में विचार करो। वेद पुराण और संतों का यही मत है कि सब पुण्यों का फल भगवान नाम में प्रेम होना है। सब पुण्यों का फल भगवान नाम में प्रेम होना है। नारद जी आदि भगवत भक्तों का कथन है कि कलयुग में और कोई भवसागर से पार होने का ऐसा सरलतम उपाय नहीं है। केवल भगवान का नाम लेना, नाम लेना, नाम लेना ही हमारे जीवन का परम ध्येय है।
तीन बार कहने से यह ध्रुव सत्य है, इसमें संशय, पिशाच को लेश मात्र का भी अवकाश नहीं। कलयुग में ऐसा कोई कायिक, वाचिक तथा मानसिक पाप नहीं है जो भगवान के लेने से नष्ट न हो। अशेष जगत के समस्त पापों को धो बहा देने वाला कोई अद्भुत साधन भगवान का नाम है, कोई अद्भुत साधन भगवान का नाम है। जो लोक लज्जा की परवाह न करता हुआ मेरा भक्त उच्च स्वर से गाता है, अर्थात कीर्तन करता है और नृत्य करता है, वह संसार को पवित्र कर देता है। जानकर या बिना जाने जैसे भी भगवान का नाम मुख से निकल जाए, वह नाम कीर्तन पुरुष के पाप को वैसे ही दग्ध कर देता है जैसे काष्ठ को अग्नि। जो भगवान नाम की ध्वनि को सुनकर प्रेम में तन्मय होकर नृत्य करते हैं, उनके चरण रज से पृथ्वी शीघ्र ही पवित्र हो जाती है। जिसकी जीभ पर मंगल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का नाम है, उसके करोड़ों महापाप भी भस्म हो जाते हैं। नाम कीर्तन के नाना फलों को सुनकर जो विश्वास नहीं करता और यह अर्थवाद मात्र है ऐसा कहता है, उस मनुष्य को मैं भगवान नाना प्रकार के दुख गर्तों में डाल देता हूँ। अतः भगवान नाम की महिमा के संबंध में जितना लिखा गया है वह अतिशयोक्ति नहीं है। अग्नि को छूने से हाथ जल जाए तो इसमें क्या कोई आश्चर्य की बात है, यह तो वस्तु शक्ति स्वभाव है। इसी प्रकार भगवान के नाम को भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसी दसहूँ। जय श्री राधे। हमारा एक दूसरा चैनल संतों की पाठशाला, उस पर भी दो नित्य प्रवचन आते हैं, कृपया आप उन्हें भी सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे। जय श्री राधे।